अगर आप लोग एक्सप्लोरर के यूजर हो और यहाँ पे चाहते हो कि आप लोग अपना जो अकाउंट बनाए हो उसको चेंज करके और इस अकाउंट को डिलीट करके दूसरा नया अकाउंट बनाए, तो कैसे इस अकाउंट को डिलीट करोगे? या फिर अगर चाहते हो आप लोग कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना, तो कैसे अपने एक्सप्लोरर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर पाओगे, सब कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग एक्सप्लोरर से पैसे कमाना चाहते हो तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसका वीडियो आप लोग वहां से देख सकते हो या फिर इंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को एक्सप्लोरर यूज करने नहीं आता है तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पे वीडियो दिख जाएगा या फिर आप लोग इंड स्क्रीन से देख सकते हैं। या फिर अगर आप लोग यहां पे वेरिफिकेशन बैच चाहते हो, ब्लू टिक चाहते हो, तो उसका भी यहां पे वीडियो मिल जाएगा आई बटन पे, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हो। या फिर अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पे आप लोग अपना फॉलोअर कैसे गेन करो, तो उसका वीडियो मैंने बना रखा है, आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों को आप लोग इजीली देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग जानेंगे कैसे डिलीट कर सकते हैं अपने एक्सप्लोरर अकाउंट को या फिर कैसे डीएक्टिवेट कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके और सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लोरर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे मेनू बार का ऑप्शन दिख जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेनू बार का आइकन दिख जाएगा, आपको जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपका पूरा प्रोफाइल, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके आना है नीचे और यहाँ पे मिल जाता है आपको सेटिंग का ऑप्शन सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा सेटिंग आपको मिल जाएगा और वहीं पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डीएक्टिवेट या डिलीट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जस्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बताया गया है, पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है डीएक्टिवेट अकाउंट का मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्पररी, दिस विल डीएक्टिवेट योर अकाउंट एंड नो वन विल बी एबल टू फाइंड यू और सी योर पोस्ट एक्सप्लोरर ऑन द प्लेटफॉर्म। यू कैन रीएक्टिवेट योर अकाउंट एनी टाइम बाई जस्ट लॉग इन टू द ऐप। आप लोग यहाँ से चाहो तो डीएक्टिवेट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर दोगे तो यहाँ से आप लोग लॉग आउट हो जाओगे और यहाँ पे कोई भी आपका जो अकाउंट है उसे नहीं खोज पाएगा, कोई भी आपका पोस्ट नहीं देख पाएगा या फिर जो कुछ भी आप लोग यहाँ पे पोस्ट करते हो कोई भी नहीं देख पाएगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे जैसे ही लॉग इन करोगे फिर से आप लोग यहाँ पे रीएक्टिवेट हो जाओगे। दूसरा चीज़ जो है यहाँ पे आप लोग डिलीट अकाउंट जो है यहाँ पे देख सकते हो, सेकेंड ऑप्शन आपको मिल जाता है डिलीट अकाउंट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बताया गया है डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट और दिस विल परमानेंटली डिलीट ऑल योर पोस्ट एक्सप्लोरर्स एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिट्राइव बैक एनी कंटेंट यू हैव शेयर्ड ऑन एक्सप्लोरर। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका जो डीएक्टिवेट होगा डिलीट होगा अकाउंट वो परमानेंट होगा और यहाँ पे हमेशा के लिए सारे जो पोस्ट हैं आपके एक्सप्लोरर हैं सब कुछ यहाँ से डिलीट हो जाएंगे जो भी आप लोग यहाँ पे कंटेंट शेयर किए हो। हाउ एवर इनिशियली फॉर फर्स्ट 30 डेज योर अकाउंट विल बी ऑन डीएक्टिवेट मोड। 30 दिन तक आपका जो अकाउंट रहेगा वो डीएक्टिवेट मोड पे रहेगा और उसके बाद है यू कैन कैंसिल योर अकाउंट डिलीशन रिक्वेस्ट बाई सिंपली लॉग इन योर अकाउंट एनी टाइम ड्यूरिंग नेक्स्ट 30 डेज। इफ नॉट देयर आफ्टर योर अकाउंट विल गेट डिलीटेड परमानेंटली, यूज दिस फीचर बाई कॉशन। आप लोग यहाँ पे अगर 30 दिन के अंदर में लॉग इन करते हो तो फिर से आपका अकाउंट वापस आ जाएगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप लोग यहाँ पे लॉग इन करने के लिए आओगे तो आपका अकाउंट नहीं मिलेगा, आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो जो भी आप लोग करना चाहते हो डिलीट या डीएक्टिवेट आप लोग यहाँ करके और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो प्रोसेस है वो रिक्वेस्ट में चला जाएगा और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा जो भी आप लोग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।